देखो भाई, ए बी सी इज आइसोसेल ट्राइंगल इन विच ए बी और ए सी इक्वल है, ए बी और ए सी इक्वल है। तो देखो सबसे पहले हमें जो जो गिवन दिया है वो लिख लेते हैं। गिवन में क्या क्या दिया हुआ है, एक तो हमें दे दिया एंगल जो वन है वो इक्वल है एंगल टू के, वन और टू इक्वल हो गए यहाँ तक। फिर ए डी बाइसेक्ट एक्सटीरियर एंगल पी ए सी, ए डी जो है ए डी बाइसेक्ट कर रहा है थ्री और फोर एंगल को एक्सटीरियर, बाहर की तरफ जो एंगल बन रहा है इसको एक्सपेंड कर रहे हैं तब, यानी एंगल थ्री और फोर इक्वल दिए हुए हैं, एंगल थ्री इक्वल दिया हुआ है हमें एंगल फोर के, ठीक है, दो चीज़ें दी हुई हैं। अब शो क्या करना है हमें, शो दैट एंगल डी ए सी, डी ए सी यानी एंगल थ्री इक्वल एंगल बी सी ए के, यानी एंगल थ्री और टू, ये दिखाना है, प्रूव करना है या शो करना है। प्रूव क्या करना है, एंगल टू जो है वो दिखाना है एंगल थ्री के, ठीक है। तो देखो भाई, एक एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी होती है। एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी में क्या होता है, जैसे एक ट्रायंगल है कोई, इस ट्रायंगल के दो एंगल का सम जब हम इसको एक्सपेंड करते हैं तो बाहर वाले के इक्वल होता है, वन और टू इक्वल होगा थ्री के। तो इसी से हम देखो क्या करेंगे, ये ट्रायंगल हो गया और ये इसका एक्सटीरियर एंगल हो गया, तो एंगल वन प्लस एंगल टू जो है वो इक्वल आ जाएगी आपके एंगल पी ए सी के, पी ए सी के इस पूरे के, एंगल वन और एंगल टू का सम किसके इक्वल आ गया, एंगल पी ए सी के। अब पी ए सी के अंदर कौन कौन से एंगल है, एंगल थ्री और फोर, यहाँ पे एंगल वन और टू हैं, एंगल वन और टू क्या है, इक्वल हैं, आइसोसेल ट्रायंगल है। तो इसको मैं करता हूँ एंगल वन इक्वल एंगल टू के, क्योंकि आइसोसेल ट्रायंगल है, आइसोसेल ट्रायंगल के दो साइड एक ही साइड के एंगल जो इक्वल साइड होती हैं वही एंगल इक्वल होते हैं, ठीक है। और थ्री और फोर इक्वल हैं, एंगल थ्री इक्वल एंगल फोर के, क्यों, क्योंकि ए डी जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है, ए डी इज बाइसेक्ट किसको, पी ए सी को, एंगल पी ए सी को, तो एंगल थ्री और फोर इक्वल हो गए। अब देखो मैं क्या करता हूँ, वन और टू इक्वल हैं तो यहाँ पे मैं टू टाइम एंगल टू लिख सकता हूँ, एंगल वन को भी टू लिख दिया और इसको भी, तो दो बार हो गए तो टू टाइम एंगल टू हो गया। फिर पी ए सी, पी ए सी, पी ए सी में एंगल थ्री और फोर लिख देता हूँ, एंगल थ्री प्लस एंगल फोर, और थ्री और फोर इक्वल है मैंने अभी बताया था आपको, तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, एंगल थ्री और फोर इक्वल है तो फोर को भी एंगल थ्री लिख लेता हूँ, ये भी एंगल थ्री हो जाएगा और ये भी थ्री, तो दोनों थ्री थ्री हो जाएंगे तो टू टाइम एंगल थ्री हो जाएगा, इधर टू टाइम एंगल टू हो गया, टू से टू कट गया, एंगल जो टू है वो इक्वल आ गया हमारा एंगल थ्री के। यही हमें प्रूव करना था फर्स्ट में, डी ए सी, डी ए सी यानी एंगल थ्री इक्वल है बी सी ए, बी सी ए यानी एंगल टू, ये इक्वल आ गया। आप नाम रख के करना चाहो तो नाम रख के कर सकते हो, और ऐसे करना चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, जो आपको सिंपल लगे उस तरीके से कर सकते हो। तो ये आ गया इक्वल हमारा, ये हमारा फर्स्ट प्रूफ हो गया कंप्लीट। फिर सेकंड में बोल रहा है ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। अब ये जो है ए बी सी डी क्या है, ये एक पैरेललोग्राम, ठीक है। तो देखो पैरेललोग्राम है ना, ये प्रूव करना है हमें, तो पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ता है, अपोजिट जो पेयर्स हैं साइड के वो क्या करेंगे, हम इक्वल प्रूव कर देंगे। जैसे ए डी को किसके इक्वल कर देंगे, बी सी के प्रूव कर देंगे, और ए बी सी डी गिवन दिया हुआ है, तो बी सी को और ए डी के इक्वल कैसे प्रूव करेंगे। देखो एंगल टू और थ्री इक्वल आ गया, एंगल टू और थ्री क्या हो गए, इक्वल हो गए, तो इसका मतलब ये लाइन क्या है, पैरेलल। देयरफोर यहाँ तक एक एक का रिजल्ट हो गया हमारा। अब देखो एंगल टू और थ्री क्या हो गए, दो पैरेलल लाइन होती हैं, जैसे दो पैरेलल लाइन है और एक ट्रांसवर्सल है, तो ये वाला एंगल और इसके इक्वल होगा तो ये दोनों लाइन पैरेलल होंगी। तो वैसे ये टू और थ्री अगर इक्वल है तो ए डी लाइन, देयरफोर ए डी पैरेलल है बी सी के, ठीक है, समझ गए। अब ए डी और बी सी के पैरेलल दी हुई है, और दूसरा ए बी और डी सी ये गिवन दी हुई है, ए बी पैरेलल है डी सी के गिवन। अब किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट पेयर दोनों, ये इसके इक्वल आ गया और ये इसके इक्वल आ गया, या फिर ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है, तो ये क्या हो जाएगी, पैरेललोग्राम। ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। एक स्टेटमेंट भी लिख सकते हो, इफ अपोजिट पेयर ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल और पैरेलल, देयरफोर इट इज अ पैरेललोग्राम। तो इस तरीके से ये आपका दूसरा पार्ट प्रूव हो गया यहाँ तक, ठीक है, ये दोनों इसके इक्वल प्रूव हो गए। अब नेक्स्ट देखिए।